हेलो बच्चों, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आज का ये है। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वैक्सीन के ऊपर कि वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए और इससे क्या क्या फायदे हैं और अगर नुकसान है तो क्या नुकसान है। वैसे तो कोई नुकसान नहीं है उसका, 1 लाख में से 1% चांस होते हैं उसके। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो कोरोना वायरस जो अभी लास्ट पीक में पहुंचने वाला है, इसके बाद जो प्रोसेस है, आप किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको बोला जाता है कि आप इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करो, अच्छा खान पान खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, व्हाटएवर, बट कोई करता नहीं है चीज। जैसे बोलने वाली बातें होती हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं, जो सुबह के उठ के डेली वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल 9-10 बजे तक सोए रहते हैं। लॉकडाउन लगाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सोए रहो। आपको अपनी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करनी, आपका शरीर है, आपको देखना है। अगर आपकी फैमिली वाले आपको नहीं बोलते हैं ठीक है, अगर आप 9 बजे तक सोए रह रहे हैं, टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको डेली 1400 मिनट मिलते हैं। मैं आपको एक सिंपल वे समझाता हूँ। आपको डेली 1400 मिनट भगवान दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं आपको? ताकि आप अपने फ्यूचर में वो काम लगा सकें। आप अभी के टाइम पे अगर आप काम करते हैं, अभी के समय पे अगर 1400 मिनट आप लगाते हैं, अपने समय को अपने खुद के ऊपर लगाते हैं, खुद को सुधारने के ऊपर लगाते हैं, तो कल के दिन 5 साल बाद वो समय आपको पैसा बना के देगा। अभी के समय पे जो लोग स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर जॉब नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ गए, घर में आ चुके हैं, उन्होंने सोचा कि चलो लॉकडाउन हो गया है, आप घर में बैठ के आराम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट यही समय आपके पास, इस समय पे अगर आपने मेहनत की, क्योंकि इस समय पे हर कोई जूझ रहा है एक बहुत बड़ी समस्या से, पूरा देश, पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस समय पे सब लोग अपने घरों में हैं और इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पे अगर आप मेहनत करते हैं खुद की स्किल पे, अपनी स्किल को इंप्रूव करो यार। आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, आप नहीं है तो पहचानो। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो डेवलप करो। आपको जिस चीज में आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ, मुझे लिखना, गाना, सिंगिंग करना, रैपिंग करना, डांसिंग करना, या फिर आप पेंटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, टिकटॉक, बटन, जो चीज भी करते हैं ना, उसमें परफेक्ट बनो यार। एक चीज पकड़ो, उसमें परफेक्ट बनो। ऐसा परफेक्ट बनो ना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में आपसे ज्यादा बेटर कोई ना हो उसके लिए। कम से कम ये करो, आपके पास 2-3 महीने जितना भी है ना, आप डेली 1 घंटा अपनी स्किल्स पे देते हैं। अभी के समय पे 1 घंटा दो अपनी स्किल्स पे बस हो गया। आप 3 महीने में देखो आप कहां से कहां पहुंच जाते हो, आपकी स्किल्स क्या इंप्रूव हो जाती है। अगर आप पढ़ाई में है, डेली एक काम करो आप, कोई बात नहीं, अमेजोन पे आप 99 के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसमें क्या कर सकते हैं आप, बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं, अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो डेली आप बुक पढ़िए। एक बुक एटलीस्ट 2 या 3 दिन एक बुक भी पढ़ते हैं आप 3 महीने में, सोचो कम से कम 15 से 30 बुक आप कंप्लीट कर लेंगे। उन 30 बुकों का जो ज्ञान होगा ना, वो आपको पूरी लाइफ में काम आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी सफलता है वो किताबों से होके नहीं गुजरती है। अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियोस देख के या फिर ऐसे ही खुद से सीख के आप आगे बढ़ जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, अभी के समय आपके पास समय है और आपके पास बहुत लकी समय है, क्योंकि आप घर पे हो, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, अकेले अपने रूम पे होंगे, घर पे हैं, अकेले रूम ले लीजिए। मम्मी लोगों से बोलो, पापा लोगों से बोलो, फैमिली वालों से, मुझे एक सिंगल रूम पे रहना है। अपना अंदर मेहनत करो, अपनी प्लानिंग करो फ्यूचर के लिए। आपको क्या करना है आने वाले 2-3 सालों में, आप क्या करने वाले हो आने वाले 5 साल के बाद, आप कहाँ पे होगे आने वाले 10 साल में, आपकी प्लानिंग क्या होगी। जो भी आज के टाइम पे जो सक्सेसफुल लोग बने हैं ना, उन्होंने 10 साल पहले ही प्लानिंग कर ली है। अभी के टाइम पे अगर जियो आया है तो जियो 2016-17 पे आ रहा है, तो उसकी प्लानिंग सोचो कब हुई होगी, 2010 में उसकी प्लानिंग कर ली होगी। अगर अभी के टाइम पे जो फोन आते हैं, जो नए नए लॉन्च फोन हो रहे हैं, उनकी प्लानिंग देखो किस समय पे हो गई होगी। इंटरनेट 1995 भी आया था, उसकी प्लानिंग कितने साल पहले हो चुकी होगी। इसलिए अगर आप अभी से प्लान करेंगे तो आने वाले 5 या 10 साल बाद आप कुछ बना पाएंगे, कुछ कर पाएंगे और एक ऐसा करके दिखाओ, एक ऐसा मुकाम हासिल करो। जिंदगी एक बार मिलती है मेरे दोस्त, एक बार जिंदगी मिलती है। अगर ये ऐसे तुमने वेस्ट कर दी नहीं जिंदगी, तुमने खाया पिया सोया बस इसमें निकाल दी, कोई फायदा नहीं। 84 लाख जीने के बाद ये जिंदगी दोबारा मिलेगी। इसलिए अभी बोलता हूँ, एक जिंदगी मिली है, ऐसा इतिहास कर जाओ। जिस दिन मरोगे ना, सबकी स्टेटस में छानी चाहिए, तुम हर एक की स्टेटस में होना चाहिए, हर एक की जुबान पे होना चाहिए कि ये बंदा आज गया है, पूरी दुनिया पता चले। अगर अभी के समय पे जो स्टार एक्टर हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी जी को ही ले लो, अगर इनमें से किसी की, खुदा न खास्ता, कोई किसी की डेथ हो जाती है, हर एक बंदा, पूरा शख्स, इस इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का शख्स जानेगा कि ये बंदा आज नहीं रहा दुनिया में, ये बंदा मर गया आज। क्यों? उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। एक जिंदगी उनको भी मिली, एक जिंदगी हमको भी मिली, वो भी एक ही माँ से हुए रहे, हम भी अपनी माँ से जन्म और है हमारा भी, सबके पास सेम खून है, सेम शरीर है, उनको भी सेम समय दिया 24 घंटा भगवान ने, हमको भी सेम समय दे रहा है, उनको भी एक एज दी 60-70 साल की, हमको भी सेम एज दे रखी है। बट उन्होंने क्या किया, उनके पास डेडिकेशन था, उनके पास ड्रीम्स थे, डिजायर था, गोल्स था, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं। एक छोटी सी सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहीं पर बच्चे पढ़े बलते हैं, बड़े होते हैं, बार पास होते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा अगर कोशिश की तो आर्मी में भर्ती हो गए, तो अगर वहां भर्ती नहीं हो पाए तो यहीं पर कुछ लोगों जॉब कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बस खत्म काम, बस
मतलब यार लोग करोड़ों कमा रहे हैं यार, अपनी वैल्यू समझो, अपनी वैल्यू समझो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वैल्यू के ऊपर, वैल्यू खुद की कैसे बनाएं। अभी के टाइम पे जो आईपीएल के जो प्लेयर है वो 10 करोड़, 20 करोड़, 30-40 करोड़ तक जाते हैं उनकी कीमत, एक टाइम के एक आईपीएल का, एक साल का भी, पूरे जितने मैच होते हैं सोचो, हर साल आईपीएल होता है तो कितने करोड़ वो कमा रहे हैं और जितने मैच हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी कीमत बना रखी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैल्यू कैसी होती है। मेरा एक उद्देश्य है कि हल्का सा ना, अगर मैं आपको थोड़ा सा, मैं मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों से कुछ आपके अंदर होगा, क्योंकि होता ही है ना, हजार विचार पढ़ने हैं उसे रखनी पड़ता है, बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए एक विचार ही काफी होता है। मैं चाहता हूँ कम से कम आपको खुद के ऊपर आप फोकस करो, एटलीस्ट आप पढ़ना शुरू करो, एक स्टेप बढ़ाओ कि चलो ठीक है दिन भर में आप कुछ नहीं करूंगा, एक बुक पढ़ूंगा। ओके, तो यहां से शुरुआत करो आप, दिन भर में कुछ नहीं करूंगा, ठीक है सुबह के टाइम पे एक घंटे एक्सरसाइज करूंगा। ओके, आपने सुबह एक घंटे एक्सरसाइज कर ली, एक घंटा योगा कर लिया, दिन में एक घंटे आपने बुक पढ़ ली, कुछ नहीं से ना, ये बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं कर रहा है आपके साथ वाला, दिन भर पबजी में लगा हुआ है, फ्री फायर खेल रहे हैं और आप ये चीज कर रहे हैं ना, तो ये बहुत आपके लिए। इतने से शुरुआत करो, बाकी आपको बताता हूँ क्या करना है, किस तरह अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है, और लॉकडाउन में किन किन स्किल्स को आप इम्प्रूव करके आगे अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन, किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह अपने फ्यूचर को आप ब्राइट कर सकते हैं। थैंक यू।